वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने किया। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्पादकता गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने खरीफ की फसल के लिए किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध कराने, कृषि उपकरणों की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों की फसलों की आमदनी दुगनी करने सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी तैयारियां पूरी कर लें, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप ध्यान रखें। एफपीओ का जो कार्रवाई है उसको हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि एफपीओ के माध्यम से हमने देखा है क्लस्टर्स बन रहे हैं प्राकृतिक खेती के, उनको एफपीओ में कन्वर्ट करना है और हमको उनके मार्केटिंग पर ध्यान देना है। ये हम लोग अवश्य ध्यान रखें और साथ ही साथ हम लोग जो बीज की व्यवस्था है वो प्राइवेट बीज भी हो, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। पिछले साल शिकायतें आई थी कुछ बरेली साइड में गलत बीज आ गए थे जिसको फले नहीं थे, जिसके किसानों को हमें मुआवजे के लिए पीछे पड़ना पड़ा था। तो वो चीज भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजें ना हो पाए। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इनपुट्स पे नजर रखें। कृषि सेक्टर हमारा पूरी तरह खुला हुआ है, हमारा खाद बीज की दुकानें खुली रहेगी। हम लोगों ने ये भी इस बार बात बोली है कि जो जहाँ पर नहीं भी कर्फ्यू खुला है, कोरोना रेस्ट्रिक्शन नहीं खुले हैं, वहाँ कम से कम जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस के शॉप्स और उनके बेचने के शॉप्स वो भी चलते रहेंगे। यानी कि जो ट्रैक्टर वैक्टर और इम्प्लीमेंट्स के शॉप, क्योंकि हम लोग अभी मशीनरी खरीदने का रास्ता शुरू कर रहे हैं, वो भी आराम रहेंगे। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के मास्क पहन के जरूर करें और अधिक से अधिक हम लोग जो है रजिस्टर करके जून से जो जैसे बड़े स्केल पे जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें ध्यान देंगे। मुझे इतना ही कहना है आज अभी शुरू में, फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो बीच बीच में जहाँ जहाँ आवश्यक होगी इंटरव्यू करेंगी, इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और साथियों की बात करेंगे। तो मैं इतना ही अभी शुरू में कहना चाहूंगा एजेंडा सेटिंग में, और मैं चाहूंगा कि अधिकारी अपनी बात संक्षेप में कहें, इसके बाद हम लोग आपसे अनुरोध है कि बीज की क्या व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद एडी साहब, रेडियो जो मेरी खरीद की हमारे बीज की आवश्यकता थी उसके हिसाब से आपूर्ति हमारी आवश्यकता थी, हमने एक्सेस करके विकास निगम को दे दिया है। ढांचा पहले मैंने 20,500 क्विंटल की डिमांड किया था, जिसके साथ 19,200 क्विंटल की आपूर्ति हुई थी। फिर सामान्य वितरण में लगभग 450 क्विंटल की डिमांड आई थी, जिसको बीज विकास निगम को दे दिया है। बीज विकास निगम ने आश्वस्त किया है कि 2 दिन में पहुंच जाएगा। इसी तरह से जितना भी बीज जनपदों में, चूंकि इस बार हमने गत वर्ष की तुलना में हमारे प्रक्षेत्रों का उत्पाद लगभग 9,000-10,000 क्विंटल ज़्यादा था, तो पहले हमारी कोशिश होती है पहले अपना जो प्रचलित उत्पाद है, जो फाउंडेशन है, पहले उसको हम किसानों में वितरित कराते हैं, उसके बाद हम बीज विकास निगम से बीज लेते हैं। 1,000-1,200 क्विंटल की बीज जो अभी एमडी साहब ने बताया है, ये पहले 3,027-3,028 क्विंटल था, इसमें से तो हमें तो जो बचा हुआ है इसको हम खाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे जिलों में लगभग 80% की बीज की आपूर्ति हो पाई है। जनपदवार बात करें तो अभी केवल 20 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य के अनुसार बीजों की उठान कर लिया है, कई जनपद ऐसे हैं जो बहुत पीछे हैं। पिछले 2-3 विजिट में अपर मुख्य सचिव ने महोदय ने निर्देश दिया था कि सब प्रतिशत उठान कर लें और गत वर्ष की तुलना में किसी भी दशा में कम नहीं रहेगा। तो वो जनपद जो बहुत पीछे हैं उनका नाम मैं आपको इसमें लेना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, इसको देख लें। और स्पेशली वो जो बेल्ट धान का है वहाँ पर भी अगर उपलब्धता कम रहेगी तो ये ठीक नहीं है। वो जो जनपद हैं उसमें आजमगढ़,
सुल्तानपुर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, ये 5-7-8 जनपद ऐसे हैं जिसे मैं लगातार कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, और जो भी बीज आप मांग रहे हैं जिस प्रकार का सब आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। अनुरोध है कि 70% बीजों की उठान कर लें, डिमांड कर लें, और ये देख लें कि गत वर्ष से ज़्यादा का लक्ष्य है और उससे ज़्यादा का वितरण आपको करना है। होंगे और कालमक की बात बार बार आती है, मैंने तमाम कोशिश किया सर, अभी तक फाउंडेशन भी हमको भी इसका उत्पादन कराएंगे और उसका सर्टिफिकेशन करा करके विशेष परिस्थिति में बीज की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित कराएंगे। कम से कम से कोऑपरेटिव के सेक्टर में जो फर्टिलाइजर का लक्ष्य है पूरे वर्ष का, वो यूरिया का है 10,37,765 मीट्रिक टन और फॉस्फेटिक का है 2,52,263 मीट्रिक टन, यानी कुल मिलाकर के 12,90,000 मीट्रिक टन की हमारा कुल लक्ष्य है। इसमें उपलब्धता हमारे पास जो अभी वास्तव में मई तक जो होनी चाहिए वो कुल मिलाकर के 46,571 मीट्रिक टन की होनी चाहिए, जिससे सापेक्ष हमारे पास उपलब्धता प्री पोजिशनिंग और बफर दोनों मिला करके 6,00,000 मीट्रिक टन की है। इसमें यूरिया का और फॉस्फेटिक दोनों का प्रेशन शुरू भी हो गया है। हमें 31 अगस्त तक यूरिया का 5,00,000 मीट्रिक टन की प्रीपोजिशनिंग करनी है और फॉस्फेटिक की 4,00,000 मीट्रिक टन की प्रीपोजिशनिंग करनी है। उसके सापेक्ष में हम लोगों ने अब तक 4,11,756 मीट्रिक टन अगर बफर को मिला दें प्रीपोजिशनिंग के साथ, तो इतनी हमारे पास अभी स्टॉक उपलब्ध है। जो हम लोगों की प्लानिंग है उसमें 31 अगस्त तक हम लोग प्रीपोजिशनिंग के अपने सारे टारगेट्स को पूरा कर लेंगे। और पिछली बार थोड़ी सी यूरिया में समस्या आई थी, इस बार पूरी मंशा ये है APC सर के अध्यक्षता में और ACS कृषि साहब के अध्यक्षता में ये चीज़ हो गई है कि इस बार पिछली बार प्रयास किए गए थे सर कि किसी तरह की खाद कोई दिक्कत ना आने पर इस बार पहले से तैयारी चल रही है। इफ्को और क्रिप्को से वार्ता हो चुकी है, समय से हम लोग प्री पोजिशनिंग की अपने स्टॉक को पूरा कर लिया। इसके अलावा किसी जनपद से अगर कोई डिमांड आती है तो उसको डिमांड के अनुसार उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। बीज के खाद के बारे में और बीज के बारे में जो कॉपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड बैठा था उसके बारे में भी यही कहना, नियमित करें और आपके माध्यम से जो वार्ता वगैरह था सर और जो वहाँ से थोड़ा सा सर मैं आपके माध्यम से अवगत करा दूं सर कि जो पूरे प्रदेश में जो सेंटर्स हैं सर उसमें आधे के करीब सेंटर्स PCF हैं सर, 3600 सेंटर्स हैं। इस बार खरीद जो है सर जो अब तक पिछले साल जो PCF द्वारा की गई थी सर वो 10.5 लाख मीट्रिक टन की गई थी, इस बार अब तक उसी अवधि में सर जो खरीद हुई है वो करीब करीब 17 लाख मीट्रिक टन की हुई है सर। तो 10 लाख और 17 लाख ये मतलब 7 लाख मीट्रिक टन जो ज़्यादा खरीद हुई सर, उसके लिए जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई है सर। इसी बीच में बारिश हुई सर, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उठान भी हो रहा है सर, तो इन सब की वजह से चूँकि ट्रक्स भी सीमित है सर, जगह भी मतलब उसी हिसाब से जैसे जैसे खाली हो रही है वैसे वैसे आ रहा है, तो थोड़े से लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है सर। लेकिन लगातार ACS कोऑपरेटिव साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम के अध्यक्षता में करीब करीब हर दिन मीटिंग होती है सर जून पे, तो इसमें प्रयास किया जा रहा है सर कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा उठान से रिलेटेड समस्या है। अपने क्षेत्र में अपना व्यवसाय खोल सकते हैं, माली प्रशिक्षण नहीं खोल सकता है, स्थापित करने पे भी हमारा अनुदान है जो करीब 7.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हम देते हैं। अगर एक प्रशिक्षण 200 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, हमारे 5 प्रशिक्षण केंद्र हैं, कंपोस्ट उत्पादन कोई सा भी करता है तो 40% तक का अनुदान उनको दे है। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी उद्यान से संबंधित हैं और जो इस समय नवीन चीजें हैं उसके बारे में किसानों को बताया आपने, हम ये कह सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट स्ट्रॉबेरी प्रदेश में एक नई ऊंचाई पे
कार्यक्रम जा रहा है। आदरणीय एसएस कृषि महोदय, अन्य सभी अधिकारीगण, आज की इस राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2021 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे निदेशक मत्स्य ने विस्तार से मत्स्य के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। पशुपालन से संबंधित आप सभी अवगत हैं कि हमारे पशुपालक जो हैं वो एक बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादकता में अपना योगदान देते हैं और प्रदेश में लगभग 7 करोड़ छोटे एवं बड़े पशु हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख गौवंशीय और 3 करोड़ 30 लाख महिषवंशीय पशु हैं और इनका कृषि उत्पादकता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। गत वर्षों में भी आप लोगों ने इनकी गतिविधियों के संबंध में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुझे आशा यही पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी इसी प्रकार से पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस दृष्टि से होता है वो होता है चारे की उपलब्धता। हमारे प्रदेश में जो चारे की उपलब्धता है वो आवश्यकता से कम रहती है, इसलिए विभाग द्वारा चारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और विभागीय जो कृषि क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बीज तैयार किया जाता है वो सभी जिलों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो किसानों को उपलब्ध हो सके। जो आज प्रदेश स्तर पर आज विचार विमर्श हुआ है उसमें प्रयास यही है कि खरीफ में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, वो चाहे बीज की उपलब्धता हो, हमारी खाद की उपलब्धता हो और जो भी सारे हमारे नेटवर्क होने चाहिए वो हो जाए, किसानों की भी कोई समस्या है उसको भी देख लिया जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि जो है वो या हमारा जो लोन है केसीसी का है वो सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। सो बेसिकली एक सभी स्तर पर एक डिस्कशन है और इसमें होलिस्टिक डिस्कशन हुआ है और उसमें हम लोगों ने अपने मंडल की भी समस्याओं के बारे में सूचित करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ खरीफ जब उसका हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद जो पराली की समस्या आती है उसकी भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसमें जो उसके यंत्र हैं उसको किसान भाइयों को थोड़ा सा सस्ते पर उनका अनुदान पहले ही अपफ्रंट में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और आशा करते हैं कि पिछली बार से हमारा लक्ष्य 5% ज़्यादा तय किया गया है और हम खरीफ का जो हमारा उत्पादन है उसकी उत्पादकता को भी बढ़ाते हुए और रकबा भी बढ़ाते हुए हम उत्पादन और अच्छा करें।